Hello, BLED second year students, and today I have brought the topic paragraph writing. तो जैसा कि मैंने कल डिस्कस किया था अबाउट द एसे राइटिंग, टुडे आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द स्मॉलर यूनिट ऑफ राइटिंग. सो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ राइटिंग ऑर्गेनाइजेशन विच टेल्स यू अबाउट द मेन आइडिया और अबाउट द मेन टॉपिक. एंड पैराग्राफ, अ पैराग्राफ इज sequenced into the sentences, and sentences is sequenced. Then we have three parts of a paragraph. First part is known as the topic, right? Second is the body or the main idea, and the third is the concluding part. So let's get started about this introduction. Actually, what is a paragraph? Is a group of sentences, 5 to 15 sentences or 5 lines, right? 15 sentences or 5 lines, or which is telling about the topic or main idea. It's not a paragraph, it's just an introduction part. 5 to 15 sentences जो रहेंगे वो आपका introduction part के रहेंगे एक paragraph में. So paragraph is a building, is a building block, or you can get introduction of the any essay or any research paper. Let's start. The basic idea is that only the topic, we should stick about our topic. हमें अपने topic से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना है. वॉट इज़ अ पैराग्राफ? एक्चुअली इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन राइटिंग इन विच ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंस डेवलप द मेन आइडिया. यानी हमारा जो आइडिया जो हम बताना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वो एक्सप्रेस अच्छे ढंग से होना चाहिए. नाउ द थ्री पार्ट्स विच आई हैव टोल्ड यू, द फर्स्ट इज टॉपिक सेंटेंसेस. टॉपिक से रिलेटेड जो सेंटेंस होना चाहिए 5 से 15 वर्ड का होना चाहिए एटलीस्ट. एंड देन सपोर्टिंग सेंटेंस, एंड लास्ट इज कंक्लूडिंग सेंटेंस. इसे मिला के क्या बनेगा? एक पैराग्राफ बनेगा. तो कंक्लूडिंग सेंटेंस में ये नहीं कि हमने टॉपिक एंड कर दिया, कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द इंट्रोडक्शन. ओके, तो आते हैं टॉपिक सेंटेंस में क्या होना चाहिए. ये टॉपिक हमारा जनरल, जो हमारा टॉपिक है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए. सपोज वी आर राइटिंग एन एसे ऑन COVID-19, सो वी शुड डिस्कस इंट्रोडक्शन पार्ट, the starting of the COVID-19, the emergence, the spread of COVID-19 later on. ठीक है, तो पहले start कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, at what time, what time, that means days around, and how it's spread, what is this actually, it's an ठीक है, it's a pandemic, so we should describe everything. Controlling ideas जो है वो इसी में आते हैं. एग्जाम्पल टॉपिक सेंटेंसेज ये मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना एंड नोट इट डाउन. नॉट टू जनरल भी नहीं होना चाहिए एंड शुड नॉट बी टू वेरी स्पेसिफिक. यानी कि हम कोविड 19 ही कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर वेरी मच स्पेसिफिक. अगर इफ़ यू वी आर राइटिंग इन अ पैराग्राफ अबाउट टू मच जनरल थिंग्स, लाइक वी आर राइटिंग अबाउट wash your hands, sanitize, wash your hands, sanitize. So this is not a specific thing that we are moving to, it's too general. Body of the paragraph, isme hai 4 to 9 sentences. This part includes explanations, tabling, pictures, all the data. डेटा पार्ट जितना आना है वो इसमें रहता है. ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्ट कर दिया COVID-19 कहाँ से शुरू हुआ, किस देश से हुआ, टाइम में हुआ, और इट्स अ पैंडमिक वगैरह वगैरह एंड ऑल दैट, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन. और उसके बाद में इसका डेटा कि हाउ मेनी पीपल हैव बीन अफेक्टेड बाय दैट इन द स्टार्टिंग इज द व्हाट मंथ एंड द सेकेंड मंथ. तो ये डेटा का पार्ट जो है वो बॉडी ऑफ द पैराग्राफ यानी कि सपोर्टिंग सेंटेंस में रहता है. देन द लास्ट इज कंक्लूजन. कंक्लूडिंग पार्ट हैज़ योर ट्रांजिशन टू नेक्स्ट पैराग्राफ. तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ में जाने की तैयारी होती है. ओके, नाउ यू आर स्टार्टिंग एडिंग अ न्यू इन्फॉर्मेशन. आई हैव ब्रॉट अ न्यू एग्जाम्पल डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. आई एम थर्टी ईयर्स ओल्ड रादर टॉल एंड हैव ब्लू आईज एंड शॉर्ट ब्लैक हेयर. आई वेयर कैजुअल क्लोथ्स एज आई टीच स्टूडेंट्स अ रिलैक्स्ड एटमोसफियर. Now I enjoy my job. So this is a paragraph, just take a screenshot and do write this paragraph, then later on I will check this out. Let's recap. First of all, what do we do? Assertion,
यानी कि कुछ आइडियाज़ को लाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं उन्हें, इंट्रोड्यूस और इंसर्ट करते हैं अपने एविडेंसेस यानी कि डेटा या आंकड़े, एक्सप्लेन करते हैं उन एविडेंसेस को जितने केसेस हुए हैं सपोज कोरोना के एंड ऑल दैट, इंसर्ट अ कंक्लूडिंग सेंटेंस और फिर हमें कंक्लूड कर देते हैं उस पूरे पूरे पैराग्राफ में का जो भी पार्ट होता है। अब देखते हैं पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। पहले तो आपको टॉपिक बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं लेना है जो आपको नहीं आता है। सपोज़ प्लैजियरिज्म हैज़ बीन गिवन टू यू बट एंड फॉर राइटिंग एन एसे, बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ प्लैजियरिज्म, सो व्हाट इज़ द यूज़, हाउ विल यू एक्सप्लेन। सो एग्जैक्टली प्लैजरिज्म, चलिए आपने गूगल से देख के निकाल लिया, साहित्यिक चोरी, तो ये होती कैसे है इस किसी से डिस्कस करिए, ये किस प्रकार से पकड़ी जाती है, इसके सॉफ्टवेयर्स कौन से आते हैं और इसके रेमेडीज़ क्या हैं, मतलब हम इसके इससे कैसे बचाव कर सकते हैं, ठीक है। हम जो भी पेपर लिखते हैं, पब्लिश कराते हैं, अपनी राइटिंग करते हैं, तो उसमें प्लैजरिज्म नहीं होना चाहिए। यानी किसी देख को बुक या मटेरियल या स्टफ को कॉपी करना, ठीक है। अब हमें क्लियर है टॉपिक तो हम लिख देंगे ना। ओपनिंग सेंटेंस कैसा होना चाहिए, देन अपने टॉपिक पर एंड तक रहना चाहिए। अब सपोज़ कोरोना के बारे में हम लिख रहे हैं तो लास्ट जो एंडिंग कंक्लूडिंग स्टेटमेंट रहेगा वो भी इसी के बारे में रहेगा ना कि लेट सी द वर्ल्ड, वी हैव टू लिव विद कोरोना और वी विल डेफिनेटली थ्रू आउट कोरोना। सो अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक, यू शुड ऑलवेज द ग्रामर, द टेंसेस का विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। एंड ऑन अ पॉजिटिव कंक्लूजन। अब आते हैं फिर से एक रिकैप करेंगे, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, मेन आइडिया होना चाहिए, बॉडी कैसा होना चाहिए पैराग्राफ का, जो टॉपिक के बारे में पूरा आइडिया दिया, और कंक्लूजन जो होना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक और सैम्पल लेकर आई हूँ, इसे ज़रा अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ट्रीज़ के बारे में है, क्लीन एयर देते हैं, दे गिव द लीव्स एंड फ्रूट्स एंड कीप द एनवायरमेंट क्लीन एंड वी शुड। अब फिर से ट्रीज़ पे देखिए आ गए, तो ये प्लांट मोर ट्रीज एंड दे गिव मोर ऑक्सीजन। नाउ टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, जैसे कि आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट एसे इज ऑफ फोर टाइप्स। नाउ फोर टाइप्स का ही पैराग्राफ भी होता है। डिस्क्रिप्टिव यानी कि किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, लाइक किसी कि कोई एक टॉपिक ले लिया और उस पर हमने पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दिया, पूरा एसे लिख दिया, उसको बहुत अच्छे से उसके पार्ट्स भी डिस्क्राइब कर दिए, उसके एक एक टाइप भी बता दिए, उसके अप्रोचेस भी बता दी, सो दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव। सेकेंड इज़ नैरेटिव। नैरेटिव मीन्स टू नैरेट लाइक अ स्टोरी। सपोज वी हैव गिवन अ सीन, एनीबडी हैज़ गिवन अ सीन और वी आर टेलिंग अ एक टॉपिक दिया है जू, तो जू के बारे में क्या करेंगे, हम नारेट करेंगे व्हाट वी कैन सी अबाउट द जू, वी सी मैनी एनिमल्स इन द जू एंड दिस इज़ द नारेटिव काइंड ऑफ अ पैराग्राफ। एक्सपोजिटरी, एक्सपोजिटरी में क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को जो है कंपेयर करते हैं दो चीज़ों से, और कंपेयर करके हम एक दूसरे से जो है कोरिलेट करते हैं एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द कोरिलेशन वी एक्सप्लेन। ओके, सपोज इफ वी वॉन्ट टू एक्सप्लेन कोरोना एंड डेंगू, ओके, दैट विल बी एन एक्सपोजिटरी एसे और एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। उस एक्सपोजिटरी एसे में एक्सपोजिटरी पैराग्राफ हो जाएंगे। नेक्स्ट मूव ऑन टू परसुएसिव। परसुएसिव में वी गिव डेटा, वी गिव एग्जाम्पल्स, वी गिव पिक्चर्स, वी प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स, ऑल द चार्ट्स and by this we explain the topic, okay, and actually this is about the readers, reader ki convenience ke liye, that in persuasive essay or persuasive paragraph we are convincing the readers, okay. So I think this paragraph writing is almost completed, just make good notes, send me the feedback by WhatsApp and we will be discussing all the feedbacks, okay. Till then thank you and take care and please do watch the videos, just write down this paragraph nicely and give me the feedback, definitely please note down these paragraphs.
ओके, टू पैराग्राफ्स आई गेव यू, जस्ट गिव मी, आप मुझे बताएंगे व्हेन द क्लासेस विल ओपन, वेयर इज द टॉपिक, वेयर इज द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट एंड वेयर इज द कंक्लूजन पार्ट. ओके, थैंक यू, टेक केयर.